ट्रैवलर कार्ट में। आज हमारी जर्नी, हमारा सफ़र, हमारा कारवां एक नए स्टेट में निकला है और जो स्टेट हम कवर करने वाले हैं इस बार, दैट इज उड़ीसा, द प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, द प्लेस, द स्टेट ऑफ टेम्पल। तो अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हम 2 दिन हो गए चलते चलते। आज है 31 दिसंबर और हम लोग चल रहे हैं 29 दिसंबर से। 29 की शाम को हम लोगों ने बस लिया था दिल्ली के लिए, फिर हम दिल्ली पहुँचे सुबह 5 बजे, वहाँ से 7:30 बजे हमने ट्रेन लिया उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में हम लोग सबसे पहले स्टे करेंगे भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर के बाद हम लोग जाएंगे पुरी। एंड अभी मैंने स्टोरी में डाल दूंगा वैसे तो कि हाँ भाई, फर्स्ट 31st और 2nd वो जगन्नाथपुरी टेम्पल बंद है, वो जिनको दर्शन करने हैं वो लोग आगे दर्शन करें। और अभी के लिए यहाँ पे हम लोग ट्रेन में हैं, अभी ट्रेन लेट नहीं होगी तो 12 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग भुवनेश्वर उतर जाएंगे। तो भुवनेश्वर में हम मस्ती करते हैं, वहाँ खाएंगे, पिएंगे, ट्रैवल करेंगे, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करेंगे और आप बने रहिएगा और यहाँ पे आप पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, तो सिमिलरली हमें पूरी की पूरी फैमिली मिली है। हमारी फैमिली को तो शौक नहीं है घूमने का, लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया है यहाँ पे सब लोग एक साथ घूमते हैं एंड इन लोगों ने बहुत जगह ट्रैवल किया है, तो बहुत सारे लोग हैं, अंकल आंटी हैं, सब बच्चे भी हैं। तो उनसे सीधा बात करते हैं वो लोग कहाँ से हैं और उन्होंने कौन कौन सी जगह ट्रैवल की हुई है और क्या क्या उनकी विश लिस्ट में आ गया है। हमारी तो विश लिस्ट बहुत लंबी है, उनकी विश लिस्ट में क्या क्या है वो उन लोगों से जानते हैं। कहाँ से आप लोग? हम लोग मिर्जापुर से। अभी आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? आपका मेन मोटिव क्या रहता है घूमने का? हम लोग मिर्जापुर साल में एक बार लगभग पूजन करने के लिए जाते हैं, और लगभग 25 साल से जम्मू दर्शन करते हैं। एक बार हमारा टिकट कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग कश्मीर भी घूमे हैं, जगन्नाथ पुरी के लिए, इसलिए जगन्नाथ जी ने बुला लिया आपको। माता ने नहीं बुलाया था, जैसा आप लोगों को पता जगन्नाथपुरी में भी एक सिद्धपीठ है, बावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर भी है और एक तारा रानी का पीठ भी है वहाँ पे। तो आप लोग सिर्फ पूरी दर्शन करने जा रहे हैं या और? पूरी दर्शन करेंगे और हम दोनों लोग समुद्र में नहाएंगे। तो अगर हम लोगों को मौका मिला साथ में वीडियो बनाने का तो हम लोग जरूर बनाएंगे। तो ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हमसे मिलती रहती है, आप लोग जुड़े रहे और यहाँ से आगे हम लोग चलते रहते हैं और यहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं। आप बात भी हम लोग जाते हैं ना, दोनों मियाँ बीवी साथ में जाते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? सबसे अच्छी बात है ना, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये रहना भी चाहिए, सही कह रहा है ना? जो साथ घूमते हैं उन्हीं में प्यार बना रहता है, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, चलो। सो जी, हम लोग फाइनली उड़ीसा में पहुँच चुके हैं। उड़ीसा द प्लेस ऑफ टेम्पल्स, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, एंड इट इज़ मोस्ट फेमस प्लेस फॉर श्री जगन्नाथपुरी। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में। भुवनेश्वर सिटी का मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, सब लोग आ रहे होंगे अपने घर से, कुछ आ रहे होंगे, कुछ घर से जा रहे होंगे। ये हमारी ट्रेन है, हम यहाँ से रुके हैं, रुकी हुई है। ओ खड़े हैं मिस्टर आशीष जी, छोटे से दिख रहे, आशीष हेलो करो। ओ और यहाँ से सी स्टेशन बहुत साफ है एंड यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। यहाँ से हमारी कोई जर्नी प्लान नहीं है, हमने कोई टूर प्लान नहीं किया है, कुछ भी प्लान नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है, ये शहर हमें क्या नई नई चीज़ें दिखाता है, इसके बाद हम लोग क्या जाते हैं। मास्क वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोविड का टाइम है, कोविड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम पूरी प्रिकॉशन के साथ कोशिश करेंगे हम लोग अच्छे से दर्शन करें, हम लोग पूरी सिटी एक्सप्लोर करें। तो अभी विश लिस्ट में 2 सिटीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए, भुवनेश्वर और पुरी। पुरी जगन्नाथपुरी जो कहा जाता है, पुरी इज़ अ सिटी एंड जगन्नाथ इज़ अ टेम्पल जो पुरी में है। तो यहाँ से अभी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कौन ऑटो लेते हैं, ओला लेते हैं, कैब करते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे कैसे हमारी टर्नी रहती है और यहाँ से हम क्या क्या करते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। सो जी हेलो हेलो, हम लोग निकल आए हैं अपना ट्रैवल ब्लॉग आगे बढ़ाने, इस टूर को, इस जर्नी को आगे बढ़ाने। अभी मैं आते हुए आपको दिखाऊंगा हम कौन से होटल में रुके हैं। अभी तो हम पहुंच गए थे 12:30 बजे। 12:30 बजे पहुंचने के बाद अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, सुबह से वही हल्का फुल्का नाश्ता वाश्ता खाया था। सो वी आर वेजिटेरियंस एंड वी नीड प्योर वेज प्लेसेस फॉर दी फूड। हमारे होटल के नीचे ही एक रेस्टोरेंट है बट वो प्योर वेज नहीं है,
तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ का रेलवे स्टेशन, ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हैं, एंड हियर इज़ द प्लेस होटल साई निवास के नीचे, होटल साई निवास, एंड दिस इज़ प्योर वेज प्लेस। यहाँ पे गर्म गर्म समोसे बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे जो केक है ये बहुत नॉर्मल है। अंकल इस केक में क्या क्या डलता है, केक में क्या क्या डलता है? पनीर होता है जो चीज़ है ना, पनीर का चीज़ है ये, पनीर का चीज़ है, छेने का कॉम्प्लीट, छेना से दूध डाल के बनाते हैं और दूध से बनाता है। अच्छा, दूध से बनाता है। अच्छा, फिर इसे हम टेस्ट करेंगे और बताते हैं। साथ ही साथ हमने वेज थाली मंगाई है, वेज थाली खाएंगे और वेज थाली खा के फिर आपको बताएंगे यहाँ का फूड कैसा अलग होगा। ये 100 rupees है ओ भाई साहब, बहुत थोड़ा सा है 100 rupees, बट इट लुक्स नाइस। डू इट लुक्स नाइस? आप जहाँ से आप किसी को देखने जा रहे हैं, देखो 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 देखो, बूम, मास्क उतारो, टेस्ट करो और बताओ आपके स्नैक्स आपको कैसे लगे। प्योर छेना, प्योर दूध का है, उल्टी तो नहीं होगी? इज इट वर्थ ईटिंग? अरे कुछ तो बोलो। वाह, कुछ और होगा भाई, चलो कोई बात नहीं, अभी थाली आती है, मैं आपको थाली दिखा, मैं भी खा के देखूं। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में खीस वाला टेक्सचर होता है ना, वो वाला टेक्सचर था, गुलाब जामुन टाइप्स, जो भी मीठा है, ठीक है, सोसो है, कुछ नई चीज़ खाई उड़ीसा में, आगे चलो। सो फाइनली हम लोग की वेज थाली यहाँ पे आ गई। इसमें भैया एक बार और बता दो बस प्लीज़। हाँ भैया, देखो भैया की स्माइल देखो सर, चलते बाकी सब बाद में। अब भैया क्या क्या है थाली में? हाँ जी, ये क्या है? फूल गोभी आलू मसाला। फूल गोभी आलू मसाला, हाँ। क्या क्या? आलू बैंगन। अच्छा, आलू बैंगन, ओके। और पौधा कभी आलू कसा, ओके। दाल, दाल भाजी, भाजी आलू बीन्स फुलकर और मैंगो चटनी, ये चटनी है जी जी। और पापड़, लेमन राइस और प्लेन राइस एंड पनीर बटर मसाला एंड दही तड़का, ओके। हम लोग टेस्ट करते हैं इसे और आपको बताते हैं कैसा है, तो चलो टेस्टिंग पे। मैं आ रहा हूँ देखो भैया तो खुश हो गए। अब हम टेस्ट करते हैं लेमन राइस। लेमन राइस साउथ इंडिया में भी बहुत कॉमन है, यहाँ पर भी आते हैं, हमें लेमन राइस के दर्शन हो गए। गुड, स्पाइसी, स्पून ही है, स्पून से स्पून। ये बैंगन है, मैं बैंगन खाता नहीं हूँ, ये भी नहीं खाता हूँ। बिल्कुल नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, बिल्कुल जैसे मम्मी जो बनाती है, एग्जैक्ट वैसे ही स्टाइल का। मैं बेसिकली क्या चेक कर रहा था, यहाँ पे जो तड़की और ग्रेवी होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है हर जगह। मैंने कोलकाता का प्रॉपर ही खाना खाया है, मैम ने बुला के दिया था मुझे घर पे, दैट वाज क्वाइट सिमिलर। थैंक यू। तो दिस इज फुल मील, आई विल एंजॉय इट, एंड आप लोग कार्य को देख लो और अब यहाँ से आगे चलते हैं। आफ्टर सच अ ऑसम फूड, फूड वॉज रियली वेरी ऑसम। अभी हम लोग निकले हैं यहाँ की मार्केट में, ये बोल रहा मुझे भी ले लिया करो, अकेले अकेले घूम लिए, अरे भैया अकेले भी घूम लिया, चलो बाय बाय। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक स्कूटी रेंट पे लेने के लिए। अब ऑब्वियसली बात, आप कहीं ट्रैवल करो, स्कूटीज या बाइक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी मस्ट। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी अटरम शटरम चीज़ें दिख रही है, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, आपको दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन से जस्ट साइड में। अभी द्वार बंद है, शायद शाम को खुलेंगे, तो जो भी होगा 4 तो बजे खुलने का टाइम तो हो गया होगा। बट यहाँ से हम लोग जाते हैं, गाड़ी वाड़ी लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। चलो भाई साहब, ये सरकार हमसे रोती रहती है, मुझे व्लॉग में नहीं लेते। ओह क्यूट पोस्चर, अब ये बताएंगे व्लॉग में आगे अभी क्या हुआ, बताओ अभी क्या हुआ है। अभी हम बाइक रेंट पे जा रहे हैं,
क्या ले जा रहे हैं? बाइक रेंट। ओह बाइक रेंट पे लेंगे सब्जी। बाइक चला आपको आती है? बाइक चलानी बिल्कुल आती है। बाइक स्कूटी कार नहीं आती चलानी। कार ही लेंगे जब मिल जाएगी। अच्छा हमारे सब्सक्राइबर चाहेंगे तो हमें जल्दी कार मिलेगी। आप लोग भी सब्सक्राइब करो जल्दी। सब्सक्राइब करो हम लोग घूम सके, हमें कार ले सके। बस तो यहाँ से अभी हम लोग देखो ऑटो में जा रहे हैं भुवनेश्वर की गलियों में। और यहाँ से हमने इससे ऑनलाइन बात करी थी, अगर वहाँ पे बात सेट हो जाती है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बाइक रेंटल वाले का नंबर। भुवनेश्वर आओ तो आप वहाँ पर एक बार जरूर कॉल कर सकते हो। यहाँ से आगे चलते हैं। भाई साहब बड़ी दुखद खबर, दुखद तो नहीं बोलेंगे एक्सपीरियंस है ये भी। यहाँ से ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। हम लोग कब के निकले हुए हैं घर से, हम 4 बजे निकल गए थे कि 5 बजे तक सारा काम हो जाएगा, हम सेकंड हाफ में पूरा घूमेंगे फिरेंगे मज़े करेंगे पूरा एक्सप्लोर करेंगे कम से कम चीज़ें देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जगह हम बाइक रेंट पे गए थे, वहाँ पे हमारा भाई वहाँ पे हमारा मन नहीं माना, पता नहीं चीज़ें मतलब आई डोंट नो, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था कुछ भी। द वे दे वर टॉकिंग, द वे दे वर बिहेविंग, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे बहुत ही वियर्ड थे। तो एट लास्ट फाइनली हम यहाँ पे आए हैं। दिस इज़ rentride.in। यहाँ पे इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, मैंने इन लोगों से बात करी, सब कुछ है यहाँ पे। मुझे ये जुपिटर ये दे रहे हो ना भैया, जुपिटर ये जुपिटर देख लो, ये जुपिटर मिल जाएगी। और एक और थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है, 3 तारीख तक यहाँ भी सब तो नहीं काफ़ी कुछ बंद है जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड। और ये भी नहीं पता 3 के बाद खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, यू नेवर नो। चलिए जैसा मंजूर ये सिटी हमें जो चीज़ दिखाती है तो कोई बात नहीं। इट्स ऑलरेडी 7, अभी तो हम लोग कुछ फूड वगैरह देखते हैं यहाँ पे, कुछ फूड एक्सप्लोर करेंगे, जितना घूम सकते हैं ज़रूर घूमेंगे। हम 10 बजे तक का टाइम है तो यहाँ से फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हेलो हेलो, हम लोग यहाँ से अभी हैं लोकल मार्केट में। यहाँ पे है फ्लावर्स मार्केट। कितने सारे फ्लावर्स हो, कितना एक्साइटेड हो रखा है। यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे, फ्लावर्स हर जगह फ्लावर्स ही हैं, बस बहुत ही सारे फ्लावर्स हैं यहाँ से। और मैं आपको बता दूँ मेरा वाइट लीलीज मेरा फेवरेट है। हाँ तो कौन दे रहा, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड देगी उससे मांगना। सी रोजेस के बुके, वाओ कैन यू सी दिस। यहाँ से ये सब अलग अलग प्राइस के होंगे, देहरादून में तो बहुत महंगे हैं फ्लावर्स। आई डोंट नो यहाँ पे क्या रेट है फ्लावर्स का। ये सारा फ्लावर मार्केट सुंदर है, वाओ पूरा बोलते हैं हमारे वहाँ, पूरा नहीं है ये हमारे वहाँ बोलते हैं सीधे सब रोज का। भैया इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है सेट का, कितने रोजेस हैं इसमें? आ रही है तो अभी हम लोग डेली मार्केट में, 1 नंबर मार्केट में। यहाँ पे हमें उड़ीसा की कुछ ऑथेंटिक चीज़ें दिखी, इस वजह से कैमरा ऑन किया। ये है मुरमुरे, हमारे नॉर्थ इंडिया में ना मुरमुरे बोलते हैं, खील सॉरी, दिवाली पे चलती है खील। खील को गुड़ में और नारियल खोपे में, और इसमें पीनट्स भी है, आमंड पेमेंट चला हुआ है। इसमें देसी घी भी है, अभी अंकल से भी बात करते हैं बताएंगे। और ये पीनट्स के लड्डू तो हम लोग ये तो ज़रूर ट्राई करेंगे खील, बाकी एक बार अंकल से बात करते हैं उनके पास और क्या क्या चीज़ है जो उड़ीसा में ही फेमस है। अंकल आपका नाम क्या है? बाबूला। कितने साल पुरानी दुकान है? 35 साल हो गया। अब उड़ीसा की कुछ आइटम बता दो, उड़ीसा में ही मिलता है? उड़ीसा में तो हर जगह में मिलता है सब चीज़। अच्छा, लेकिन उड़ीसा का फेमस चीज़ ये खील का है, ये वाला है, ये जो दिखाया यही रुकता है सारा ना। और ये चकली वकली में सारा आइटम ये तो हम लोग उड़ीसा में फेमस है, खाने का चीज नाश्ता जी आइटम उड़ीसा का फेमस चीज़ ये जी। तो हम लोग भी कुछ ट्राई करते हैं, ये देखिए आप। कुछ यूनिक चीज़ ये भी है, देखो उसकी सेब पूरी है, गए सेब के लड्डू ये कुछ अलग है,
ये देखो ये नकली काजू है, हमें देखने में ऐसे लग रहा है बिस्किट है, मतलब बिस्किट है वहाँ, मुझे लगा काजू पे काजू फ्राइड है, मैं ऐसे था नहीं। ये मंगल के यहाँ से ये ले रहे हैं और इसे ट्राई कर रहे हैं, ये ले रहे कि वो ले रहे हैं, ले लो यही ले लो जो लेना बताओ, ये बोल हाँ मुझे ठीक है बोला था, लेना तो हम पीनट लड्डू लेंगे, ये हम कोई बाद में ट्राई करेंगे। चिक्की जलता है, चिक्की जलता है, कट कर रहा मैं। अब हमारे आशीष कुमार खाएंगे बढ़ने का भाई साहब, मसाला देखो भाई का, अरे यार 700 रुपये पूरा। ओहो राइट, टेल मी, जल्दी खाओ, कैसा है? बढ़िया, अभी खाऊँ? खाओ खाओ, ये देखो भाई भर के। अभी हम हैं भुवनेश्वर भाई यूनिट 1 मार्केट में, यहीं घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ श्री राम जूस सेंटर, यहाँ पे देखो अंकल की शक्ल, स्माइल देखो मेरे अंकल के चेहरे पे। तो यहाँ से हम लोग अंकल के लस्सी ट्राई कर रहे हैं और हम लस्सी पी रहे हैं, लस्सी भी बहुत बढ़िया है हमारा यहाँ का, लस्सी अलग है आपका घर का अलग है, हाँ बहुत अलग है, बहुत अच्छा लगेगा, देखो अच्छा है। ये आइसक्रीम, आइसक्रीम हम हाथ से खा रहे हैं, चम्मच नहीं आ रहा, चम्मच है ना उसमें, आ नहीं रहा वो। ये बड़े ग्लास लस्सी तो अमृतसर की याद आ गई, यहाँ से हम लोग ये लस्सी टेस्ट करते हैं और आगे चलते हैं भाई साहब। हेलो फ्रेंड, भुट्टा खा लो। यहाँ से अभी हम सेमी मार्केट में हैं, उस जस्ट यूनिट 1 थी शायद, या यूनिट 2 है, यहाँ पे हम लोग भुट्टा खा रहे हैं, आप भी खा लो, चलो आगे चलते हैं, भुट्टा खाओ। हाँ करो करो, बड़ा मज़ा आ रहा था तुम्हें, शूट करो, क्या हो गया? क्या खा रहे हो? गोलगप्पे। ये गोलगप्पे नहीं है, दही गोलगप्पे है, दही गोलगप्पे ही हैं, रहेंगे मेरे लिए गोलगप्पे। दही गुपचुप, ये है दही गुपचुप, ये हम स्पेशल यहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से? मंजर, एक हाफ प्लेट भैया बना रहे, देखो देखे पास और भी आइटम है भैया ने, हम बस हम इसे करेंगे सी। खा लो, अब खा लो जल्दी, जाओ जाओ, ये यू डिड इट, यस ही डिड इट। अभी हम लोग बाहर हैं BMC मॉल के, मॉल के अंदर नहीं जा रहे हम, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम लोग बस खाना पीना एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, मैं भी खाता हूँ एक। यहाँ कॉम्पिटिशन है कौन किसके मुँह ज़्यादा बता देता है, बच गया यश, मिर्च बच गया, उन्हें मिर्च से बहुत जगह जला सकती थी। तो यहाँ से देखो सब कपड़ों की मार्केट है, मार्केट बहुत सही, मुझे दिल्ली की याद आ गई प्रॉपर। तो ये देखो मार्केट ही मार्केट, वो बंद करने का टाइम हो गया अब तो। तो यहाँ से भुवनेश्वर की मेन मार्केट में हम, वो वाली यूनिट 1 थी, ये वाली भुवनेश्वर मेन मार्केट है, तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये वाला शूट नहीं भाई, कैमरे वाला शूट। तो जी टुडे वाज वेरी टायरिंग बिकॉज हमने कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया, इसलिए टायरिंग। स्कूटी के पीछे ही भागते रहे, कभी इधर गए कभी उधर गए, फाइनली इधर आए। अभी हम लोग दिन खत्म कर रहे हैं, तो जैसा कुछ बहुत हमने खाया पिया बहुत अट्रैक्शन था। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे पानी पूरी गोली अपने बहुत ज़्यादा रही है और चेंज है, थोड़ा चेंज है फ्लेवर से, वो तो यहाँ पे उड़ीसा है, वो हम पूरे ईस्ट साइड में इंडिया के, तो चेंज तो हो गई। इट्स ऑलरेडी 9:45 हो रहा है, 10 बजे हमें नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। अभी हमने खाना ऑर्डर किया, हम खाना खाएंगे
और चिटपटा सन्नाटा हम सो जाएंगे और आपको आगे मिलेंगे। और सुनो तो सही, और सुन लो क्या कह रहे तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा एडवांस में सभी। अच्छा अरे एडवांस में मिस्टर आशीष जी कह रहे हैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, मैं एक अगला साल आप लोगों के लिए बहुत 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 सारी खुशियाँ लेके आए और हमारे लिए भी लेके आए और थोड़ी सी प्रे हमारे लिए भी कर लो, हमें जरूरत है इस टाइम पे। हमने खाना ऑर्डर किया है, खाना आएगा, हम गाना गाएंगे और सो जाएंगे। उन्होंने कैमरा फेंक दिया, देखो सीधा कैमरा फेंक दिया। हम लोगों ने मंगाया है टेस्टी टेस्टी पनीर बटर मसाला, पनीर उसपे है बटर और उसपे है मसाला। आप लोग खाओगे, खा लो भाई, साल जा रहा, आप किसी के लिए कुछ अच्छा लेके आया होगा। Enjoy the food.